सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आस्था ट्रेड की रिव्यू के बारे में। ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है और इस रिव्यू में हम अलग अलग मायनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड, प्राइसिंग, ब्रोकरेज, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, कस्टमर सर्विस और भी कुछ मायनों पर चर्चा होगी, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि आस्था ट्रेड आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आस्था ट्रेड एक डिस्काउंट ब्रोकर है, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका हेड ऑफिस है। सन 2005 से एस्टेब्लिश हुए हैं और जाने जाते हैं हाई एक्सपोजर वैल्यू के लिए, स्पेशली इंट्राडे सेगमेंट में। हालांकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में इनका फोकस थोड़ा सा कम दिखता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की अगर बात ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स राधा की बात करें तो आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और डेरिवेटिव्स में निवेश कर पाएंगे इनके थ्रू। कुछ खास बड़ी लिस्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स जैसे अलग अलग निवेश के प्रोडक्ट्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तब आपको किसी और ब्रोकर या फाइनेंशियल हाउस के साथ अकाउंट खोलना होगा। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की तो इसमें जैसे बताया गया शुरुआत में कि फोकस थोड़ा सा कम दिखता है। हालांकि नंबर क्वालिटी के लेवल पे अच्छे खासे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन क्वालिटी के लेवल पे थोड़ा बहुत मात जरूर खाता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल ऐप से और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो आस्था ट्रेड की मोबाइल ऐप रेटेड है 3.7 पे करीब 90 यूजर्स द्वारा, उसमें से करीब 28 से 29% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 71% बनता है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कम है। वहीं अगर हम बात करें इनकी अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल की तो लास्ट अपडेट 5 जुलाई 2016 को किया गया था। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जून 2017 में, तो करीब एक साल हो चुका है इस ऐप को एक भी अपडेट देखे हुए। अभी तक सिर्फ 5 से 10 हजार यूजर्स ने ही इस ऐप को इंस्टॉल किया है, तो नंबर्स के लेवल पे काफी मीडियोकर ऐप लगती है। वहीं अगर हम क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली बहुत कंसर्न्स हैं। यूजर्स ने, क्लाइंट्स ने जिन्होंने इस ऐप को यूज किया है, उन्होंने बताया है कि ये ऐप काफी बेसिक है, लिमिटेड फीचर्स के साथ, यूजर फ्रेंडली भी नहीं है, तो आपको यूजर एक्सपीरियंस में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। वहीं अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तब आपको लॉग आउट हो जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ समय के बाद ऐप आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देती है। वहीं ऐप का परफॉर्मेंस, ऐप की स्पीड भी क्वेश्चनेबल है, काफी स्लो है काफी एरियाज पे, तो उस हिसाब से एक ये ऐप जो है डेफिनेटली रिकमेंडेबल नहीं है। बहुत से कंसर्न्स हैं और स्पेशली जब हम कंपटीशन की तरफ देखते हैं, ऐसी मोबाइल ऐप्स आ चुकी हैं ट्रेडिंग के लिए जो इससे काफी बेहतर है, तो हमारे हिसाब से अभी के लिए डेफिनेटली ये पर्टिकुलर मोबाइल ऐप एक रिकमेंडेबल सॉल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं कि इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, क्या वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए चलते हैं adigitalblogger.com की तरफ। तो जैसे शुरुआत में बताया गया था, इनका खुद का कोई फोकस नहीं है इन हाउस ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जरूर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें ओडिन डाइट है जो कि एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज या फिनटेक ने इसको बनाया है, मेंटेन भी वही करते हैं। तो अगर आप उनके क्लाइंट हैं, आस्था ट्रेड के क्लाइंट हैं, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है तब डेफिनेटली ये खुद ब्रोकर कुछ नहीं कर पाएगा, ये आपका फीडबैक ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर देगा फिनटेक की टीम को, और अगर उनको ठीक लगा तभी ये एप्लीकेशन में वो सुधार आ पाएगा। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है उसके खुद में कंट्रोल कुछ नहीं होता जब वो आउटसोर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करवाता है अपने क्लाइंट से। तो ओडिन डाइट के अलावा आई विन मोबाइल ऐप भी है, अब ये भी फिनटेक ने बनाई है, डिजाइन की है, डेवलप की है, फीचर्स के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस और यूआई काफी ब्लैंड है, काफी आउटडेटेड है। उसके अलावा आपको फिनटेक का वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन भी दिया जाता है, फीचर्स के हिसाब से ये काफी एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है, स्पीड भी अच्छी देती है और आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में काफी मदद करेगी। और सबसे अच्छी बात इस एप्लीकेशन की ये है कि एक ही वर्कस्पेस में आप काफी विजिट्स ऐड अप कर सकते हैं अपने क्विक जजमेंट्स के लिए, और आप इजीली एक डिसीजन ले पाएंगे अपनी ट्रेड के लिए। तो उस हिसाब से एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर है। NSE Now भी एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है,
ये NSE मेंटेन करता है, डिजाइन करता है, डेवलप करता है। उसके अलावा उनकी मोबाइल ऐप भी है। अगर आप आस्था ट्रेड की मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये ब्रोकर आपको NSE मोबाइल ऐप का लाइसेंस प्रोवाइड करता है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको कुछ खर्चा, कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। ये बात के बारे में जरूर जानिए अपने ब्रोकर के एग्जीक्यूटिव से और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि अगर वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए क्या उनको कोई अलग से शुल्क देना होगा या नहीं। तो कंसर्न वही रहेगा, खुद का कुछ खास फोकस नहीं है, आउटसोर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो डेफिनेटली एक लेवल पे कंसर्न है, बट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की क्वालिटी के में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 या 3 सॉफ्टवेयर अच्छे हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की, खर्चे की। तो अगर आपको इनके साथ खाता खोलना है तो डीमैट अकाउंट के लिए 500 और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको 150 रुपया, टोटल 650 रुपया देना होगा। मेंटेनेंस फीस हर साल 300 रुपया होगी, तो शुरुआत में आपको 950 रुपये की राशि देनी होगी और उसके बाद हर साल रेगुलरली 300 का पेमेंट जाएगा AMC के रूप में। अब आस्था है तो एक डिस्काउंट ब्रोकर, लेकिन आपको चार्ज अभी भी परसेंटेज के बेस पे करते हैं। अभी इनसे जानना जरूरी है कि इसका कोई मैक्स कैप है या नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस हिसाब से आपकी ट्रेड वैल्यू का 1% एज अ ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी में 0.1% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपका ट्रेड वैल्यू 1,00,000 का था तो उसमें आपको 100 रुपया ब्रोकरेज देना होगा। इसके बाकी के सेगमेंट्स की ब्रोकरेज जानने के लिए वापस चलते हैं adigitalblogger.com की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि बाकी के सेगमेंट्स में 0.01%, इक्विटी ऑप्शंस में 10 रुपया खरीदने का और 30 रुपया बेचने का के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। तो अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रोकरेज सेट है, लेकिन फिर भी आपकी ओवरऑल ट्रेड वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब आती है ट्रांजैक्शन चार्जेस की। अब बहुत से जो क्लाइंट्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो रुक जाते हैं अकाउंट ओपनिंग के खर्चे, AMC के खर्चे या ब्रोकरेज के खर्चे के ऊपर, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आपको चार्जेस देने पड़ते हैं जिसमें कि कुछ टैक्सेस होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। अब इनके केस में इंडिया बुल्स में आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्चुअली इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लगाए जाते हैं। अगर आप किसी भी ब्रोकर के ट्रांजैक्शन चार्जेस adigitalblogger.com पे चेक करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इक्विटी इंट्राडे और डिलीवरी में जनरली 95% जो ब्रोकर्स हैं वो 0.00325% के हिसाब से चार्ज करते हैं। बाकी के सेगमेंट में जैसे इक्विटी ऑप्शंस में 0.05 के हिसाब से, यहाँ पे 0.0022 इस हिसाब से ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन चार्जेस की जो ये परसेंटेज है ये तो काफी कम है, 0.00 कुछ है, लेकिन जब आप बात करें कि कुछ 1,000 करोड़ रोज का टर्नओवर होता है इंडिया बुल्स जैसे स्टॉक ब्रोकर का, करीब 2 से 4 हजार करोड़ का टर्नओवर ये करते हैं, उस पे ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाए जाते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा मैथ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस ये आपसे यूज करवा लेते हैं और अपनी जेब में डालते हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि सेबी या हो या कोई इंडेक्स हो, वो एक स्पेसिफिक रेट चार्ज करता है जो कि एक डिफाइंड रेट है, उसी को बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स यूज करते हैं। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो अपना ब्रोकरेज में जहां कमी दिखती है वहां पे भरपाई कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस में, और आस्था ट्रेड में भी मोर और लेस वैसा ही केस दिखता है। तो इनके एग्जीक्यूटिव से जब आप बात करें तो उनसे जरूर जानने की कोशिश करें कि इसका रीजन क्या है। आई एम वेरी श्योर कि कोई स्पेसिफिक या रियलिटिक रीजन नहीं होगा, ये डेफिनेटली अपनी जेब में जो भी डिफरेंस रहता है सेबी के प्रिस्क्राइब नंबर्स का वो अपनी जेब में डालते हैं। फिर बात आती है एक्सपोजर की, अब लेवरेज की। अब आस्था ट्रेड जैसे शुरू में बताया गया जाना जाता है अच्छे खासे एक्सपोजर के लिए। अब आप देख सकते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में इक्विटी डिलीवरी में 4 गुना, इंट्राडे में 40 गुना तक एक्सपोजर दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपये हैं, आप 4,00,000 रुपये तक की ट्रेड प्लेस कर पाएंगे इंट्राडे में। अब समझने वाली बात यह है कि बाकी का 3,90,000 कहां से आया। अब ब्रोकर खुद की जेब से कभी भी पैसा नहीं निकालता, जो बाकी के इनके अकाउंट्स हैं, बाकी के क्लाइंट्स हैं, उनका जो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है वो ट्रायंगुलेट किया जाता है अलग अलग यूजर्स के साथ जो एक्सपोजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है वो भी शायद इस्तेमाल हो रहा होगा जब आप एक्सपोजर का इस्तेमाल नहीं करते। काफी रिस्की कॉन्सेप्ट है, समझना होगा, जानना होगा, उसके बाद ही आप अपना हाथ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में लगाएं। अगर समझ नहीं आता है,
काफी रिस्की प्रोपोजिशन है, इसमें आप निवेश ना करें, इसकी यूसेज ना करें, वही बेहतर रहेगा। बाकी के सेगमेंट्स में आपको ठीक ठाक एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट आस्था ट्रेड को उन स्टॉक ब्रोकर्स में से शुमार किया जा सकता है जो सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये है अलग अलग एस्पेक्ट्स, आप ही चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो ये था आस्था ट्रेड का रिव्यू, अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा की है, कंपनी के बैकग्राउंड, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, प्राइसिंग, खर्चे, कस्टमर सर्विस। अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन से मायने जरूरी हैं। अगर उनमें से कुछ जरूरी हैं और आस्था ट्रेड आपको वो चीजें प्रोवाइड करती है तो जाइए इनके साथ अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसके फायदे और नुकसान जानने जरूरी है। अब फायदों में सबसे पहले बात आती है एक्सपोजर की, जो हमने अभी बात की, 40 गुना आपको इंट्राडे में और कमोडिटी में 10 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है, जो अच्छी खासी वैल्यू है। उसके अलावा नुकसानों की बात करें तो ब्रोकरेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखा, जहां पे परसेंटेज के बेस पे ब्रोकरेज लगाया जाता है, जबकि ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है। लिमिटेड ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है, 3 या 4 आपको निवेश की ऑप्शंस मिलेंगे, उसके अलावा कुछ खास है नहीं। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपना कोई फोकस नहीं है, बाहर के तीसरे थर्ड पार्टी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूसेज करवा रहे हैं अपने क्लाइंट से। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात जब आती है कंट्रोल की, कोई फीडबैक की, तब यूजर्स को, क्लाइंट्स को कंसर्न जरूर आते हैं। फिर है ट्रांजैक्शन चार्जेस, बहुत ही बड़ा ग्रे एरिया, बहुत ही बड़ा वीक लिंक, एक ऐसा कंसर्न जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इतना महंगा ट्रांजैक्शन चार्जेस एक स्टॉक ब्रोकर कैसे लगा सकता है। अब ये थे फायदे नुकसान, वही बात है, अब आपको देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपके लिए जचता है, उस हिसाब से आप इसका चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक earnedigitalblogger.com/aasthatrade/open-demat अकाउंट पे जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए और हम आपके लिए इनके साथ एक कॉल बैक सेटअप करेंगे। हालांकि अगर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से स्टॉक ब्रोकर चाहते हैं या हमारी कोई मदद चाहते हैं एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में, तो आप हमारी इस वेबसाइट के दूसरे लिंक earnedigitalblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए और हम आपको एक रिकमेंडेड स्टॉक ब्रोकर के साथ कॉल बैक सेटअप करवाएंगे। तो ये था आस्था ट्रेड का रिव्यू और इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल अर डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।